नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज सिटी लाइव में हमारे मेहमान हैं देश के जाने माने अभिनेता, लेखक और कवि राजेश तैलंग। थैंक यू राजेश वेरी मच आपका मुझे सिटी लाइव में बुलाने के लिए। राजेश आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप भी अपने घर से ही काम कर रहे हैं, हम भी हमारे घर से कर रहे हैं, और हमारे जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं वो भी अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं। तो दिन भर की राजेश तैलंग की क्या दिनचर्या रहती है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, मेरे साथ क्या थोड़ी सी समस्या हुई है आम लोगों से ज्यादा, वो ये कि मैं जी घर में अकेला फंस गया हूं। मेरा परिवार पूरा अलग अलग हिस्सों में बट गया है। बाई चांस ऐसी ही कुछ हुई कि मदर फादर बीकानेर में है, कोई बॉम्बे में है, दिल्ली में, दो घरों में अलग अलग रह रहे हैं हम, और अभी हम एक साथ मिल नहीं सकते। इसलिए मेरा बहुत जी सारा टाइम घर के झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाने, इसमें जा रहा है। उसके अलावा बहुत सारे तो दोस्तों से बातचीत, कुछ लिखना, और एक मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं, उसकी एडिटिंग कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। तो दिन भर में आप अपने लिए कितनी बार खाना पका लेते हैं, अपने और कितनी चाय बना लेते हैं, और ये पुराना अनुभव है या अभी का अनुभव आ रहा है? नहीं, ये पुराना अनुभव है, मैंने खाना बनाना सीखा था, मतलब वक्त ने, हालात ने सिखा दिया था। तो जब बॉम्बे में शुरुआत में गए थे तो मैंने बहुत वक्त अकेले गुजारा है जिंदगी में, तो इसलिए मुझे खाना बनाना वगैरह सब अच्छे से आता है, तो वो दोबारा से प्रैक्टिस हो गई। जी राजेश, खाना बनाने की जब बात चली है तो मुझे याद आया कि शांति धारावाहिक से आपकी जो टीवी सीरियल की शुरुआत हुई थी, उसमें हाँ भी आपका इसी तरह का रोल था शायद। हाँ उसमें भी मतलब वो वैसे था तो भंडारी, जो एक डॉन है, उसके बच्चे हैं, लेकिन वो कुक ही था, तो वो घर में काम करता है। वो एक ननू और मानू और नानू करके दो भाइयों की बड़ा एक क्या था, एक प्लॉट था जिसमें हिस्सा था, और बड़ा पसंद किया था लोगों ने, मेरा पहला ही काम था। जी, राजेश हम आपको लिए चलते हैं बीकानेर। हाँ मुंबई से पहले बीकानेर की कुछ यादें आपकी ताजा कर ली जाएं कि कैसे शुरुआत हुई और फिल्म इंडस्ट्री में आप कैसे पहुंचे। देखो, मेरी एक्टिंग की जो शुरुआत हुई है ना, वो बीकानेर से ही एक तरह से हुई है। हालांकि मैंने पहले एक तरह से ऑफिशियली दिल्ली से थिएटर शुरू किया, लेकिन अनऑफिशियल लेवल पे बीकानेर में ही शुरू कर दिया था, और उसमें आपका भी योगदान ओ, धन्यवाद है। वो मैं बताता हूँ कैसे। जी। मतलब तुम लोगों ने एक नाटक किया था, मुझे वो याद भी नहीं, शायद मैं 10-11 साल के होंगे, हम लोग बराबर के ही, हम साथ में पले बड़े हैं, और जी तो ये यहाँ सब लोगों के साथ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ, हम लोग कजिन्स भी हैं। और तो एक बार तुमने कोई नाटक किया था, मुझे याद नहीं, और तुम्हारे पिताजी रंजन मामा जी ने करवाया था वो नाटक, और उन्होंने वो नाटक कुछ, उसका मुझे एक डायलॉग आज तक याद है, जी वो मैं सुनाता हूँ, शायद तुम्हें याद हो या ना याद हो। मैं बिल्कुल बिल्कुल जी 10-11 साल की उम्र में वो नाटक देखा था, जो तुम भी छोटे थे, तुमने किया था, तो मेरे से जी जी पहले नाटक तुमने किया है मेरे ख्याल से। तो वो हाँ, उसका राइट एंड डायलॉग, टेलर्स था शायद नाटक, हाँ वो टेलर का कुछ था, तो उसमें उसका केपी डायलॉग सक्सेना था जी कि का लिखा आधा, हुआ अब था। वो डायलॉग मैं सुनाता हूँ, तुम्हें याद होगा, वो जी डायलॉग था, आधा बरस है जुम्मन मियाँ, आप भी बूढ़े हो गए और हम भी, जब हम दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे तो मैं पतलून दे गया था, क्या वो अब तक सिल गई है? याद बिल्कुल बिल्कुल, वो नाटक था राइट टाइम टेलर्स, और हाँ उसके जो लेखक थे वो केपी सक्सेना जी थे, जो हाथ से नाटक लिखा करते थे। हाँ बहुत बड़े, बिल्कुल तो राजेश, मुझे वो देखो याद है कि मैंने जी, वो देख के बड़ा प्रभावित हुआ था, और उसके थैंक बाद यू हमारे राजेश भाई चाचा जी ने एक नाटक करवाया था, जी और जी फिर मैंने बॉम्बे दिल्ली आके बच्चों की वर्कशॉप्स की, और इस तरह से नाटक की शुरुआत हुई। राजेश, बचपन की बात चली तो मुझे एक आपको कुछ दिखाना है ताकि आपकी याद और ताजा हो जाए बचपन की। मैं एक दिखा तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, आप पहचानिए किसकी तस्वीर है। अरे ये तस्वीर मेरे पास भी है, और ये हम दोनों ही हैं। और इसमें खास बात ये है कि दीपक इसमें लड़की बने हुए हैं, और मैं थोड़ा सा एक जेंटलमैन सा एक बना हुआ हूँ, जो भी, तो
तो ये एक तस्वीर होली में हम लोग सुहांग धरते थे मेरे ख्याल से, जी ये तब की तस्वीर है। बिल्कुल, ये 1982 11 मार्च की तस्वीर है जो मेरे पास संभाल के रखी हुई है, अरे क्या राजेश बात है। तेलंग और दीपक गोस्वामी के साथ की ये तस्वीर है, यादगार तस्वीर है जिसे आज हम साझा कर रहे हैं आम दर्शकों के लिए, हमारे सिटी लाइव के दर्शकों के लिए। राजेश, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने एनएसडी में आपका प्रवेश हुआ तो वो एंट्री कैसे हुई आपकी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप शुरू से पढ़ने लिखे में एक्सपर्ट रहे हैं, साइंस आपके पास थी, और जो उसके बाद जब आप एकदम से फिल्मों में चले गए, एनएसडी में चले गए, उसके पीछे किसका हाथ रहा, क्या कारण रहा? नहीं, उसके पीछे तो मतलब इच्छा ही रही, क्योंकि मैंने जो फिर जैसा मैं बता रहा हूँ कि बीकानेर में कुछ तुम्हारे एक नाटक से बड़ा प्रभावित हुआ मैं, और उसके बाद फिर चाचा जी के साथ नाटक किया, फिर मैं मेरे बड़े भाई साहब दिल्ली में कार्टूनिस्ट थे तो उनके पास गर्मी की छुट्टियां बिताने जाता था, तो हमेशा उस गर्मियों की छुट्टी में मैं भैया मुझे एक थिएटर वर्कशॉप करवा देते थे, तो उस तरह से मैंने किया। फिर वापस बीकानेर आके और नाटक किए, तो एनएसडी का मुझे, क्योंकि मैंने बचपन में शुरुआत एनएसडी की वर्कशॉप से की थी, चिल्ड्रंस वर्कशॉप से, तो मुझे पूरा ये पता चल गया था कि एनएसडी में एडमिशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है और किस तरह की मेहनत करनी होती है। वो मैं मेहनत करता रहा और भाग्यवश मैंने मेरा पहले ही अटेम्प्ट में एनएसडी में सिलेक्शन हो गया। राजेश, मुझे याद है कि जब तुम्हारी पहली फिल्म थी वो भरी जवानी में भरी भरे बुढ़ापे वाला रोल तुमको मिला था, वो कौन सी फिल्म रही थी और उसमें, क्योंकि तुम एकदम बुजुर्ग? या मेरी पहली फिल्म थी 1084 की माँ, उस समय मैं 26 साल का था और मैंने एक 60-65 साल के बूढ़े का करेक्टर किया था। ये गोविंद निलानी जी ने फिल्म बनाई थी, मैं सीमा विश्वास एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है उनका हस्बैंड बना था, जया बच्चन की कमबैक फिल्म थी वो, तो उस फिल्म से मेरी शुरुआत हुई थी। मैं बड़ा डरा हुआ था कि मुझे एक पहली फिल्म और इतनी यंग एज में इतने एजेड करेक्टर दिया जा रहा है। मैंने गोविंद नेलानी जी से कहा भी कि सर मुझे डर लग रहा है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि अनुपम खेर साहब ने भी अपनी 26-27 साल की उम्र में पहली फिल्म इस तरह की थी सारांश, और तो तुम भी करो, अगर अच्छे अभिनेता हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो खुद बहुत बड़े डायरेक्टर थे, तो मैं जी उनकी जी बात जी को टाल नहीं पाया और मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा वो करके। राजेश, आपकी बहुत सी फिल्में हमने देखी जिनमें फैंटम, मुक्काबाज, सिद्धार्थ विशेष रूप से अगर कहें तो, हसीना पारकर, और मैंने कहीं पढ़ा था कि हसीना पारकर में जो उसकी मुख्य किरदार थी शक्ति कपूर जी की जो पुत्री हैं श्रद्धा कपूर जी, उन्होंने कहीं आपकी तारीफ की थी कि प्रभास के बाद अगर वो किसी से प्रभावित हुई तो वो राजेश तेलंग है, नहीं उन्होंने इसके ऐसे बारे में तुलना नहीं बताइए। की थी, जहां तक मेरा ख्याल है वो जी, तुलना नहीं की थी, उन्होंने तो सिर्फ मैंने ये किसी कहा था। मैगजीन में पढ़ा था ये। हाँ वो मैगजीन में कुछ इधर उधर जोड़, क्योंकि उस दौरान वो एक प्रभास के साथ भी फिल्म कर रही थी ना जी साहो, इस वजह से शायद उस चीज को लोगों ने उस तरह से पेश किया, लेकिन वो ऐसी बात नहीं थी, उन्होंने सिर्फ मेरी तारीफ की थी कि मेरे साथ काम करके उनको अच्छा लगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। वो बहुत ही मेहनती, डाउन टू अर्थ और एक बहुत ही सुलझी हुई व्यक्ति है। उसमें भी आपने एक सीनियर व्यक्ति का रोल किया था, एक एडवोकेट का रोल किया था, तो वो आपको एक इतनी असली, जवानी में, वो एक असली एडवोकेट है, राजेश श्याम जी, केशवानी, हाँ हाँ बहुत बड़े जाने माने अच्छा लॉयर हैं, जी 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 उनका चरित्र निभाया था मैंने। हाँ राजेश, आपने बड़े बड़े कलाकारों के साथ किए हैं, इस थिएटर के भी बड़े बड़े जो महान कलाकार हैं जैसे नसीरुद्दीन शाह जी हैं, रत्ना पाठक जी हैं और अमिताभ बच्चन हैं, इन सब के साथ में आपने काम किया, जैसा कि हमने कल जो फिल्म डायरेक्टर थे भूतनाथ के विवेक शर्मा जी, उनसे भी बात की थी, उन्होंने भी अमिताभ बच्चन जी के साथ के अपने कुछ क्षण जो है वो शेयर की थी हमारे साथ। हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ भी आपने काम किया है, तो जब आपकी पहली बार मुलाकात हुई तो आपको कैसा महसूस हुआ और उनके साथ बिताए कुछ पल आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मैं तो बच्चन साहब का इतना भयंकर फैन हूं और मेरे ख्याल से हम दोनों, हम सब लोग ही हुआ करते थे, हमने बहुत सारी फिल्में साथ भी देखी होंगी बच्चन साहब की, और जी बड़े फैन थे, और खासतौर पे हम दोनों थोड़े लंबे भी थे तो और ज्यादा वो जो सुरूर ज्यादा छाता है वो वाला था, तो बच्चन साहब से पहली बार मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और वो भी गोविंद निलानी जी की फिल्म थी देव,
और गोविंद जी ने ही मुझे उनसे मिलवाया, तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि उनके हाथ उनसे हाथ मिलाऊं, उनके पांव छूं, क्या करूं, और बहुत कंफ्यूजन में था। और इसी कंफ्यूजन में जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो मैंने पांव छुआ, जब उन्होंने हाथ पांव छूने के लिए के वक्त आशीर्वाद के लिए हाथ बढ़ाया तो मैं हाथ मिलाने चला गया, तो बहुत कंफ्यूजन भरी मुलाकात थी। लेकिन वो बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ज्यादा है। एक एक छोटा सा किस्सा मैं बताना चाहता हूँ। एक शॉट था जिसको ओवर द शोल्डर शॉट बोलते हैं, जिसमें बच्चन साहब का कंधा है और दिखाई मैं दे रहा हूँ, तो सामने से आके मुझे कुछ कहना था, और वो मैं उसमें मार्क हमेशा लेना होता है कि सही मार्क पे आएंगे तो फोकस मिलेगा, और मैं बार बार वो मार्क चूक जा रहा था। तो बच्चन साहब ने मुझे कहा कि मैं जब आप, क्योंकि आप जमीन पे जो मार्क लगाया हुआ है वो देख नहीं सकते, आपको मुझे ही देखना है, तो और मैं, मेरी पीठ है, तो जैसे ही आप मार्क पे पहुंचेंगे मैं हल्का सा खांस दूंगा ताकि आप सही मार्क पे रुक जाएं। और उन्होंने इस तरह से मेरी हेल्प की, जैसे मैं सही मार्क पे पहुंचा तो किया, और मैं करेक्ट मार्क पे रुका और मैंने वो शॉट दिया। तो इस तरीके से वो बड़े कलाकार हैं, वो लोग छोटे कलाकारों की और नए अभिनेताओं की बहुत हेल्प करते हैं, वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और वो इतने क्या कहना विनम्र हैं, और इतने उनसे इतना सीखने को मिलता है देख के। आपने थिएटर भी काफी किया है और लगातार करते रहे हैं और कर भी रहे हैं थिएटर भी। नसीरुद्दीन शाह जी, रत्ना पाठक जी, आशुतोष राणा जी, इन सभी के साथ ने थिएटर किया है। आपको कैसा महसूस होता है थिएटर में और फिल्मों में, क्या फर्क महसूस करते हैं आप? देखिए वो दोनों अलग अलग विधाएं हैं, हालांकि बहुत सारी समानताएं हैं उसमें। तो मैं देखिए मैं एक अभिनेता हूं, और अभिनेता के तौर पे मुझे वो दोनों ही चीजें बराबर लगती हैं। दोनों में अलग अलग किस्म के चैलेंजेज होते हैं, अलग अलग तरह की आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और अलग अलग तरह का कंटेंट होता है। तो मैं उसको बहुत ज्यादा अलग तरीके से नहीं देखता हूँ। मेरे लिए दोनों एक एक्टर के तौर पे जहां पे भी चांस मिले अच्छा काम करने का, मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। राजेश, ये भी देखा गया है कि जो आज का युवा है वो कहीं ना कहीं थिएटर से ज्यादा फिल्मों को या टीवी सीरियल्स को महत्व देता है। आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक आर्थिक रूप से भी अगर देखें तो नाटकों की एक अलग विधा है, फिल्म की अलग है और टीवी सीरियल्स की अलग है, तो आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखिए अगर कोई भी अभिनेता फिल्म और टेलीविजन या इस तरह का माध्यम में जाना चाहता है तो उसमें कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं है। आप ये क्यों उम्मीद करते हैं किसी भी अभिनेता से कि वो एक शहीद हो जाएगा थिएटर की सेवा में? या तो आप थिएटर को उतना बढ़ावा दीजिए, उसको उतना वो क्या कहते हैं सपोर्ट दीजिए। आप खुद बताइए, आम लोग जो लोग एक अभिनेता से ये शिकायत करते फिरते हैं कि वो थिएटर नहीं करता और फिल्में करता है, वो लोग फिल्मों में महीने का 10,000 रुपए खर्च कर देंगे अगर दो बार जाएंगे पूरी फैमिली के साथ, लेकिन थिएटर के लिए कितने लोग टिकट खरीद के जाते हैं मुझे एक बताइए। तो इस तरह का सवाल उठाने का मेरे, और हर कोई थिएटर के लिए पास 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 दे दो, खाली इनविटेशन कार्ड दे दो करता रहता है। कौन सपोर्ट करना चाहता है थिएटर का? हर कोई, तो जब तक आप थिएटर का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आप देखते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोगों की पसंद होती है थिएटर करना, उनको उस बात का भी हक है। बहुत सारे लोगों की पसंद होती है फिल्मों में काम करना और उसमें काम करना, उसका भी हक है। इसको हमको किसी भी एक नैतिक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। बिल्कुल राजेश, हम देखिए अगर आपका राजेश तेलंग का इंटरव्यू चल रहा हो और पद्मश्री सुधीर तेलंग की बात ना हो तो वो मैं मानता हूं कि शायद अधूरा इंटरव्यू होगा राजेश तेलंग का। राजेश तेलंग और सुधीर तेलंग जो है बड़े भाई होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे परिपक्व जो कहते हैं कि साथी होने के नाते, आप क्या सोचते हैं सुधीर तेलंग के बारे में? देखिए सुधीर भाई एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी सिचुएशन में वो एक हास्य और एक पॉजिटिविटी ढूंढ लेते थे। कितनी ही दुखद सिचुएशन हो उसमें भी उनको हास्य और पॉजिटिविटी दिखाई देती थी, और वो सर्वाइवल के लिए उनका, ये बात दोबारा से करूं क्या? जी जी जी, हाँ बीच में कुछ आवाज आ रही थी। हाँ देखिए सुधीर भाई जो हैं वो एक बहुत ही
इस तरह के व्यक्तित्व थे जो हर सिचुएशन में, किसी भी तरह की कठिन से कठिन परिस्थिति हो, कोई दुखद स्थिति भी हो, तो भी उसमें हास्य और पॉजिटिविटी ढूंढ लेते थे। उनका सबसे बड़ा तो यही था, उनका हमारे आसपास होना ही हमें इतना ज्यादा संबल देता था, वो जो ऊर्जा लेके आते थे। और वो मेरे बड़े भाई, हालांकि 10 साल बड़े थे मुझसे, लेकिन भी एक हमेशा एक दोस्त की तरह ही बिहेव करते थे। तो वो उन्होंने मेरी एक दोस्त की भी भूमिका निभाई मेरे जीवन में, उन्होंने मेरे एक बड़े भाई की भूमिका भी निभाई जीवन में, और एक पिता की भूमिका भी निभाई जीवन में। मैं जी आज जो कुछ भी हासिल कर पाया हूं उसमें उनका बहुत 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 बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से उनकी जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग है, वो आज भी आपके और हमारे सबके साथ जो है वो बनी हुई है। यहां पर मैं एक बार फिर आपको लिए चलता हूं अवार्ड्स की दुनिया में, कैनेडियन अवार्ड्स, इसके बारे में आप जो स्क्रीनिंग अवार्ड था उसके बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को, वो जानना चाहते हैं। देखिए, वो मुझे अवार्ड नहीं मिला था, वो मुझे नॉमिनेशन मिला था बेस्ट एक्टर फॉर कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स, लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ा नॉमिनेशन है, उसको जीनी अवार्ड्स कहते थे पहले। उसमें मेरे जिन लोगों के साथ मैं नॉमिनेट किया था वो दुनिया के बड़े जाने माने अभिनेता हैं, जैसे जेक जिलेनहॉल, ब्रेंडन ग्लीसन, डेनियल रेडक्लिफ, इतने बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ मेरे ख्याल से उनके साथ नॉमिनेट होना ही एक बहुत बड़ा सम्मान था। मेरे ख्याल से मैं इंडिया का आज तक दूसरा या तीसरा व्यक्ति हूँ जिसको ये नॉमिनेशन भी मिला हो। ये हमारे लिए भी बहुत ही गर्व का विषय है। और राजेश, जहां तक मैं आपको जानता हूं, आपने शुरू से संघर्ष की सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर अपनी सफलता प्राप्त की, और आज आप जिस मुकाम पर हैं वो आपकी कड़ी मेहनत है। तो जो दूसरे युवा हैं, दूसरे जो साथी हैं, जो फिल्मों में आना चाहते हैं, जो थिएटर में आना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, आपने इतनी कड़ी मेहनत की है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं कोई सफलता हासिल कर ली है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। मुझे ये लगता है मेरे पास बहुत आगे बहुत सारा रास्ता पड़ा है। मैं जो मेरे लिए सफलता और खुशी की बात इतनी सी है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो कर पा रहा हूँ। अब कितना अच्छा कर पा रहा हूँ, कितने लेवल तक कर पाऊंगा, ये बहुत सारी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट मैं जो करना चाहता हूँ वो कर पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी एक है मेरे लिए, एक क्या कहना, संतोष का विषय है। इसके साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे गुरु थे बीवी कारण साहब, थिएटर के बहुत बड़े जाने माने नाम, वो हमेशा कहा करते थे कि सिद्धि के पीछे भागो, प्रसिद्धि के पीछे मत भागो। अगर आप सिद्धि के पीछे भागते हैं तो प्रसिद्धि स्वयं चली आती है। तो क्या बात है? हमेशा आप मतलब आप सक्सेस के पीछे मत भागिए, आप कॉम्पिटेंस के पीछे भागिए, आप अपने मेहनत करते रहिए अपने काम पे। और मैं सारे नए लोगों को भी यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी आर्ट से प्यार कीजिए, उस पे मेहनत कीजिए, उस पे सिद्धि प्राप्त कीजिए। और अच्छा काम ऐसा होता है जो खुशबू की तरह होता है, वो फैलता है, वो उसको कोई दीवार रोक नहीं पाती है खुशबू को, तो अच्छा काम भी उसी तरह का होता है। निश्चित रूप से राजेश, हमारी शुभकामनाएं भी हैं, और साथ में हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि पहले सिनेमा, उसके बाद टीवी सीरियल्स, अब वेब चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, आपने भी अपना एक चैनल शुरू किया है थिएटर, बेनाम से मैं उसका नाम, थिएटर टॉकीज, राइट राइट। तो थिएटर टॉकीज के बारे में आप कुछ बने, आपने उसमें कई फिल्में भी बनाई हैं, कई तैयारी की है उसके लिए, उसके बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। मेरा ये एक हमेशा से सोच रही है कि अगर हम खाली हैं तो कुछ ना कुछ हमें हमेशा क्रिएट करना चाहिए। खाली वक्त का सिर्फ दो ही इस्तेमाल हो सकता है, एक तो या आप कुछ सीख रहे हो और आप कुछ बना रहे हो, आप कुछ लर्न कर रहे हो, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। इसी सोच के तहत मैंने कुछ दोस्तों के साथ मिलके ये कहा कि जब जब भी हमारे पास खाली वक्त होगा तो हम कुछ चीज बनाएंगे और कुछ नई चीज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उसी की पहल में थिएटर टॉकीज एक चैनल बनाया, उसमें मैं अब तक 6 शॉर्ट फिल्म्स बना चुका हूं और 2 सीरीज बनाता हूं। एक है चांद पे चाय, जिसमें पोएट्री सीरीज है वो, जिसमें मैं और यंग कवियों को बुलाता हूं और उनके साथ भी करता हूं, मैं भी अपनी कविताएं भी पढ़ता हूं। उसके अलावा एक साहित्यिक कहानियों पे है जिसका नरेशन होता है, उसका नाम है सुनी अनसुनी विद स्टोरीज विद अनूप सोनी। तो अनूप सोनी एक अभिनेता है,
वो कहानियों का नरेशन करते हैं सुनी अनसुनी में। तो इस तरीके के हैं जो हमारे जितने भी यार दोस्त हैं, जब भी वो हम लोग खाली होते हैं तो हम सोचते हैं कुछ अच्छी चीज बनाई जाए, कुछ ऐसी चीज बनाई जाए जिसकी प्राथमिकता पैसे कमाना ना हो, जिसकी प्राथमिकता कुछ अच्छा करने की कोशिश हो, अच्छा संदेश पहुंचाने की कोशिश। राजेश, हम चाहते हैं कि हम भी आपके साथ चांद पर चलें और वहां बैठकर कुछ आपकी कविताएं सुनें, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ अपनी कविताएं सुनाइए। चांद पे चाय के नाम पे ही जो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी उससे शुरुआत करता हूँ कि जी देखिए, प्रेम में जब किसी से बिछोह हो जाता है, आप किसी से अलग हो जाते हैं, तो उस पे एक चार लाइन लिखी थी कि जब हम मिलना बंद कर देंगे तब हम कविताओं में मिलेंगे, आओ चांद पे एक चाय हो जाए। तो क्या बात है। तो चांद पे आप अपने किसी भी चाह, जो भी आपकी चाहत होती है उसके साथ चाय पिए, ये मेरी एक चांद पे डेटिंग की तरह से कविता थी। और तो आपके साथ तो फिर वहां पर भीड़ लग जाती होगी चांद में चाय पीने के लिए। नहीं, मैं अकेला ही चाय पी रहा हूँ और मैं बाकी कवियों को बुलाता हूँ जो समदुखी हैं, या और चांद पे चाय का, मैं ये तो मजाक की बात रही, लेकिन चांद पे चाय का कॉन्सेप्ट ही ये है, उसमें हम सिर्फ प्रेम कविताएं करते हैं। तो बहुत खूब। और उसमें एक एक कविता ऐसे ही आपको सुना देता हूं कि जी ये कहानी और कविता के बीच फर्क को मैंने इस कविता में पकड़ने की कोशिश की है कि कहानी में एक आदि होता है, कहानी में एक मध्य होता है, कहानी में एक अंत होता है, लेकिन कविता में आदि ही अनंत होता है, और जो तेरे मेरे मध्य होता है वही तो कविता का असल छंद होता है। अच्छे, क्योंकि चाय पर देखिए चर्चा चल गई है और चाय का जो चस्का है वो चस्का जो है आपको हमको सबको है, और क्योंकि बीकानेर के रहने वाले हैं तो वहां पर कचौड़ी समोसा का भी जो चस्का है वो भी लगा हुआ है। तो अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसी स्थिति में कचौड़ी समोसे को आप मिस करते हैं दिल्ली रहकर, मुंबई रहकर, किस तरह आप उसका जो है बैलेंस करते हैं कचौड़ी समोसे को बीकानेर? अरे कचौड़ी समोसे का तो मैं इतना प्रेमी नहीं हूँ, लेकिन कचौड़ी का बहुत भयंकर हूँ और वो उसको मैं अक्सर मिस करता हूँ। दिल्ली में तो कहीं ना कहीं मुझे बीकानेर वाला या कहीं ना कहीं ढूंढ पाता हूँ, कहीं ना कहीं मिल जाती है। बॉम्बे में वो मिलना बड़ा मुश्किल है, और अभी तो कहाँ मिल सकती है। अभी किसी ने बीकानेर का कुछ वीडियो भी भेजा, मैं वो देख के ऐसा, मतलब उसमें रबड़ी और ये सारी चीजें देख देख के इतना तरस रहा था वो वीडियो देख के, मैं गालियां दे रहा था लगभग कि क्यों भेजा है मुझे ये वीडियो। बहुत अच्छी बात। चलिए जल्दी आपको रबड़ी और कचौड़ी जो कोरोना वायरस का जो कहर है वो खत्म होगा उसके बाद उपलब्ध करवाई जाएगी जल्दी आपके लिए। और राजेश, हम आपसे यहाँ पर एक बात और भी जानना चाहेंगे कि आपकी जो भविष्य की योजनाएं हैं, आपकी और कौन कौन सी मूवी आ रही है, कौन कौन सी सीरियल आ रही है, वेब चैनल वेब सीरीज आपकी कौन कौन सी आ रही है? देखिए, वेब सीरीज तो मेरी एक तो मिर्जापुर 2 आने वाली है, जी 2, एक दिल्ली क्राइम 2 आने वाली है, ये दो तो दूसरे सीजन आने वाले हैं। उसके अलावा एक मेरा एक नई सीरीज है, नसीरुद्दीन शाह साहब है उसमें, उनके साथ एक सीरीज है बंदिश बैंडिट्स, और वो उसकी खास बात मैं यहाँ इसलिए जोड़ना चाहूंगा कि वो राजस्थान की कहानी है और उसकी शूटिंग बीकानेर और जोधपुर में हुई है, और तो वो बंदिश बैंडिट्स आएगी। एक एक और सीरीज है मेरी क्रैश डाउन, वो आएंगी। तो चार तो सीरीज मेरी आने वाली है, उसके अलावा मेरी एक फिल्म आने वाली है पगलैट। तो इस तरह के कुछ काम हैं, बाकी कुछ और काम अभी जो कर रहा हूँ जिनके बारे में मैं ज्यादा बोलने की मुझे अनुमति है नहीं, तो एक दो फिल्म और एक आध सीरीज और है जो मैं जिस पे काम कर रहा हूँ भी, लेकिन वो अभी फिलहाल वैसे रुका हुआ है। जी जी राजेश, हम उम्मीद करते हैं कि आप ढेरों सारा काम करें, खूब सारा काम, लेकिन क्योंकि आप लगातार बीकानेर की जमीन से भी जुड़े रहे हैं, बीकानेर की धरती से भी जुड़े रहे हैं, तो बीकानेर में जिस तरह का माहौल आपने देखा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरे देश और दुनिया में इसी तरह छाए रहें, और चलते चलते हमारे जो सिटी लाइव के दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की डेट में तो मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप घर में रहें, सिटी लाइव देखते रहें, और हमारे को जो भी निर्देश मिले हैं, जो भी सलाह सरकार से मिली है या एक्सपर्ट से मिली है, उस सलाह का पूरी 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 तरह पालन करें,
क्योंकि अगर हमने वो ठीक किया तो हम जल्दी ही जीत जाएंगे इस चीज से, इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके अलावा ये कैसा काल है जो हमारे जीवन में आया है, जिसकी कहानियां हम बूढ़े होने के बाद भी अपने पोते पोतियों को सुनाएंगे, ये इतना मुश्किल काल है। ये काल है जिस काल में आप सच में हीरो बन सकते हैं। तो हर किसी से उम्मीद करता हूं कि वो अपने लेवल पे एक हीरो बने। राजेश तलंग, आप सिटी लाइफ से जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहते हैं दिल्ली और मुंबई की तरह आप देश विदेशों की भी यात्रा करते रहें और समाज के लिए एक अच्छी फिल्में अच्छे कलाकार के रूप में आप पेश करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच दीपक।